तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर तुम, और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलाड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलाड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। दरअसल राजकुमार संतोषी ने जब अपनी डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म घायल की तैयारी की थी, तो कोई भी नए डायरेक्टर पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। इस फिल्म में राजकुमार संतोषी सिर्फ कमल हसन और सनी देओल को ही लेना चाहते थे। प्रोड्यूसर की डिमांड पर सनी को उन्होंने कास्ट भी कर लिया, लेकिन प्रोड्यूसर सनी को बेहद कम फीस दे रहे थे, जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। इसके बाद राजकुमार संतोषी धर्मेंद्र के पास गए और पूरी बात बताई। यहां सनी ने धर्मेंद्र को फिल्म प्रोड्यूस करने को मनाया और फिर घायल जैसी सुपरहिट फिल्म तैयार हुई। अब राजकुमार संतोषी अपनी अगली फिल्म घातक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो इस फिल्म में कमल हसन को लीड किरदार में चाहते थे। उस वक्त तक कमल हसन को भी बॉलीवुड में फिल्म किए काफी वक्त हो गया था और दर्शक इसका इंतजार कर रहे थे। इसी का फायदा संतोषी भी उठाना चाहते थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि फिल्म्स के ब्रेक के दौरान विज्ञापन चलाया जा रहा था। इस विज्ञापन में कमल हसन की तस्वीर के साथ लिखा होता था, वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। हालांकि अचानक कमल हसन ने इस फिल्म से अपने आप को पीछे खींच लिया और राजकुमार संतोषी फिर से शुरुआत के लिए मजबूर हो गए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड पर ध्यान देते हुए राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को इस फिल्म में काशी के किरदार में कास्ट किया। आगे चलकर ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई और सनी और राजकुमार दोनों के ही करियर में 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म में काशी के किरदार में सनी देओल ने उम्दा काम किया था। साथ ही फिल्म में अमरीश पुरी से लेकर मीनाक्षी शेषाद्री और डैनी के किरदारों को आज भी लोग याद करते हैं।